जो बारिश आ रहा है फिर भी मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, काम में जा रहा हूँ, जॉब में जा रहा हूँ। बारिश देख सकते हो गली है, इसे वैसा मैं जाने का रास्ता यही है। आते समय मैं दूसरे रास्ते से आता हूँ, दूसरे रास्ते से आता हूँ, लेकिन जाते समय मैं हमेशा यहीं से जाता रहता हूँ। आगे से दीदी आ रही है, बारिश आ रहा है सर में, बाल नहीं है, फिर भी काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। लेकिन क्या करे, बिना काम करे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को मेरे दोस्तों का पैसा देना है, मुझे उनका पैसा देने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। लाइफ का तो चलना में स्ट्रगल हो चुका है कि जैसे कॉलेज खत्म होने के बाद हो गया, जैसे सबका कर्ज एक साथ आ गया। तक गाइज देखता हूँ, रिजल्ट भी आ गया लेकिन हम लोग का ही नहीं आया, हमारा कॉलेज का नहीं आया, लेकिन सारे कॉलेज का आ गया। गाइस क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चला, लाइफ सब मिस चल रहा है। और ये वीडियो जो रहेगा वो वन टेक वीडियो रहेगा, यहाँ पर मैं कभी भी कट कुछ नहीं लगाऊंगा। गाइस जैसे जाऊँगा वैसे ही कम्प्लीट करूँगा। वो मेन रोड है, जो मेन रोड भी होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ से मेरा रास्ता लंबा पड़ता है। तो आई एम टेकिंग दिस टर्न, लेफ्ट टर्न लेके जा रहा हूँ भैया। गाड़ी में आ रही है कबीर सिंह, हाँ ये गली भी आप लोगों ने देखा होगा, मैं आता रहता हूँ जाता रहता हूँ इस गली में। अच्छा गली है लेकिन क्या करें, हर जगह किसी से नहीं है। और आप लोग सब बताएं मुझे, कमेंट करके बताएं आजकल कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। मेरे दोस्तों को भी बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। क्या आजकल मैंने गेम खेलना भी छोड़ दिया है, क्योंकि गेम खेलने के लिए एक तो टाइम ही नहीं मिलता, उससे टाइम मिलता है तब भी मेरे को गेम खेलने का दिल नहीं करता। क्या गेम में क्या हो गया पता नहीं, गेम से थोड़ा मेरा दिल बढ़ चुका है। तो आप सब लोग बताइए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करने जा रहा है, सुन के अच्छा लगता है। और बताइए कौन कौन जॉब कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। लगता है ज़्यादातर लोगों का बैचलर अभी तो कंप्लीट हो चुका होगा या फिर कुछ दिनों में होने वाला होगा। वो लोग क्या करने वाले हो, आप जाके कहीं बाहर बाहर फॉरेन कंट्री वंट्री जाने वाले हो, या फिर वहीं पर कुछ जॉब करने वाले हो, या फिर नेपाल में कुछ हाई स्टडी करने वाले हो, जो भी इंडिया से गाइस। क्या वो लोग इंडिया में तो पक्का आई एम श्योर दैट इंडिया में हाई स्टडी करोगे या फिर जॉब के लिए जाओगे। लेकिन जो भी है इंडिया के बाहर के लोग, उनसे पूछ रहा हूँ क्या करने जा रहे हो। देखो यहाँ पर काम चल रहा है, फिर मेरे लंबा रास्ता माय गॉड बारिश देख सकते हो, बारिश हो रहा है। इतना जोर से नहीं हो रहा लेकिन हो तो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, बोल के मेरे लोग बहुत सारे लोग यहाँ के बोल रहे थे वर्ड इन टू ट्राई फॉर सम कंपनीज एंड ऑल डोंट वर्क एज अ सेल्स पर्सन, वो सब बोल रहे थे। लेकिन कैसे एक बात ये है ना, मैं सेल्स पर्सन के लिए काम क्यों करता हूँ, सेल्समैन बन के काम क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये कि गाइस क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ 2-3 महीने ही काम करूँगा, और 2-3 महीने के लिए कंपनी में जाना, उसके लिए 1 महीने का तो इंटर्नशिप रहता है। 1 महीने का तो इंटर्नशिप रहता है गाइस, 1 महीने के इंटर्नशिप के वो लोग पैसा प्रिपेयर नहीं करते, कितना 8-9 हज़ार ही पे करते, उसके बाद जाके और 10-14-15 हज़ार मैक्सिमम पे करेंगे। तो फिर उसके लिए इतना स्ट्रगल क्यों करना, इसलिए मैं अभी सेल्स पर्सन ही बन गया गाइस, वरना मेरे को सेल्स पर्सन बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है लाइफ में, कल को जाके मैं खुद का दुकान स्टार्ट करूँगा तो मेरे को एटलीस्ट आई हैव नो सम आइडिया किसी सेल्स करना है, अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग, डाउन सेलिंग, ये सब थ्योरेटिकली तो बहुत पड़ा था, लेकिन
प्रैक्टिकल लाइफ में भी प्रैक्टिकली भी यूटिलाइज कर रहा हूँ आजकल, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है मेरे लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो भी मेरे पढ़ा हुआ है वो सब मेरे आज लाइफ में यूटिलाइज कर रहा हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट गाइस। और आपका आई फिर से मैं जो भी आ गया लोग जा रही है, आपका किया आपने साथ बात कर रही हो, सब बैठा दूंगी सब बात कर रही होगी सब। तो मेरे भाई लोग आ रहे हैं उधर से काम करने जा रहे हैं लोग भी। आपको गाइस बारिश तो हो रहा है, दिख ही रहा होगा, बारिश मिल रहा होगा। याद करने लग गया आदमी गाइस, लेकिन कुछ भी हो जाए अगर कोई भी वांटेड वीडियो बनाऊंगा यहीं तक के लिए बनाता हूँ गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो में।